पूरे गांव के लोगों को गाली दी। अब क्या करें? गांव कहे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिताजी मर गए। मरने के बाद हम दो भाई हैं, लाठी लेकर उसी चौतरे पे बैठते हैं। जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे, जो केवल केवल गाली देते थे। ये तो पीटता भी है, ये दौड़ा के मारता भी। श्रृंगार का एक छंद सुनाते हैं, एकदम नया नया श्रृंगार का सुनाना। कृष्ण भगवान सपने में आए। हमने कहा सर, सब लोग अपने इस मोहब्बत की बात करते हैं, अपना व्यक्तिगत बात करते हैं और फंसा देते हैं राधा कृष्ण को। बात अपनी होती है, कविता इसी को कहते हैं। अपने दर्द का जब सामाजिकरण किया जाता है तो वो कविता होती है। व्यक्ति कभी अपना दर्द कहता है लेकिन उसका समाजीकरण हो जाता है। हमें कहा प्रभु से कि प्रभु कहे कि बेटा हमारे समय में तो प्रेमिकाएं छछिया पर छाछ पे नाच नचाती थी। इश्क बड़ा कमजोर था हमारे समय में। एक छोटे से छाछ में मट्ठा दे देते थे। हम भगवान थे फिर भी इसके चक्कर में नाचने लगते थे। तुम्हारे समय में क्या होगा? प्रभु पूछते हैं कि मेरे समय में क्या हो रहा है। ये चार पांच जो नौजवान लोग हैं उनको सुनाते हैं कि कोचिंग छोड़ सुरेश, महेश, दिनेश निरंतर ध्यान लगावे। हम क्या है कि हम बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बढ़िया कवि हैं, तो थोड़ा सा हमारे शब्दों से जुड़िएगा तो आपको मजा आएगा और हम भी सुना ले जाएंगे कि कोचिंग छोड़ दिनेश सुरेश, ये सब नाम है आधुनिक लड़कों के। कि कोचिंग छोड़ दिनेश सुरेश, महेश निरंतर ध्यान लगावे और नेट और टेट को भेदने वाले भी रूप रहस्य अभेद बतावे। नेट और टेट को भेदने वाले भी रूप रहस्य अभेद बतावे। कि प्रेम की कई कविता रट मारे तब इस प्रेम को पार न पावे। ये कलिकाल की सुंदरिया टुइया भर टैटू पे नाच नचावे। सुंदरिया और यथार्थ क्या है? इताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों। श्रृंगार है क्या? वस्तुतः स्थिति क्या है? ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों। रस मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी। ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों। मदहोश नया है ना, तो वीडियो बना रहा है। आप वीडियो बना के आप अपने यूट्यूब पे भी डाल नहीं सकते, जब वो तुरंत आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है वो ब्रांड लगा हुआ है उस पे। तो आप अभी तत्काल सुनिए, अभी आनंद लीजिए। जो वर्तमान को छोड़ के भविष्य में जीता है उसका कोई मजा नहीं होता। आप जिसको भेजेंगे वो मुझे फोन करेगी तो आपका कट जाएगा। आप वीडियो न बनाइए, आपका क्या फायदा? आप जिसको दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं वो हमसे संपर्क करे तो हमारे पास टाइम नहीं। आप अभी आनंद लीजिए। दो ताली कम। ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन। क्या जीवन है यार! यहाँ साक्षात चौबे खड़े हैं, आप फोटो खींच रहे हैं। आप सुनिए तो ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों। मदहोश करके डुबा के मार डालेंगी और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरे जानू पतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार डालेंगी। अच्छा, ये एक दो नई रचनाएं सुन लीजिए, कोशिश करते हैं। इधर कुछ नया लिख नहीं पाए, बहुत सारी समस्याएं रही, फिर भी हम हाँ कोशिश करते हैं। सुन लीजिए। नामीबिया ने 8 चिता हमको दिया और हमारे भारतीय संस्कृति ये रही है कि जो भी कुछ देता है या हमारे शादी विवाह में जब कोई कुछ आता है, निमंत्रण देता है, तो हम उसको रिटर्निंग गिफ्ट देते हैं, चाहे वो कुछ भी दे। हमारे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि यार ये सब चिता में लगे हुए, तुम कुछ नामीबिया के लिए धन्यवाद ज्ञापन कर। ये पहली बार आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। आनंद आए तो भी ताली बजा दीजिएगा, ना आए तो जोर से बजा दीजिएगा। सुनिए कि हमें चीता देने हेतु लाख लाख धन्यवाद, हमें चीता देने हेतु लाख लाख धन्यवाद। हार्दिक बधाई मेरी हृदयांग लेना तुम, हार्दिक बधाई मेरी हृदयांग लेना तुम। और यह एहसान तेरा मेरे देश से है नामीबिया, उन्नति के पथ पे ऊंची छलांग लेना तुम। जिसके भी पास जिस चीज की अधिकता है, वही उसे देता लिखकर टांग लेना तुम। और गिरगिट गधे और सुअर की जरूरत हो, तो कभी भी हमसे बेझिझक मांग लेना तुम। अब चलते चलते जो है कुछ हंसते हंसते आपको विदा करा रहा हूँ। कुछ यथार्थ की पंक्तियां सुन लीजिए। इसमें तो एक दो पंक्तियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, आप तक पहुंची भी हैं। एक मैं सदग्रंथ लिख रहा हूं, जिसको प्रेमिका पुराण के नाम से, वो आने वाला बहुत मोटा। आज तक जितने लोगों ने इस मोहब्बत को लिखा है, उसको सबको एक जगह समेट दिया है। सुनिए, विशुद्ध हास्य की कविता है। पत्नी जरूरी है, लेकिन प्रेमिका भी जरूरी है। हम प्रेमिका का समर्थन करते हैं। सुनिए, आप क्या देख रही हैं? ये पता नहीं ये लड़की, यही युग है। ये 2:30 बजे ये क्या मोबाइल हम लोग के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में तो कहीं अनेक जगह का नाम लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं घर वाले भी निश्चिंत रहेंगे। और जब हम हैं तो किसी चीज की जरूरत नहीं हो। ठीक है, कोई नहीं यार, हो जाएगा। इस समय कोई व्यवस्था नहीं। सुनिए, आपका आनंद आएगा। विशुद्ध हास्य की कविता, पंक्ति जुड़िए। इश्क से दुनिया बसी ये जिंदगी आबाद है, इश्क से दुनिया बसी ये जिंदगी आबाद है। 2.5 अक्षर प्रेम का महाभाष्य है, संवाद है। सगी पत्नी अगर पूजा इबादत आस्था, तो प्रेमिका जैसी भी हो भगवान का प्रसाद है, जैसी भी हो भगवान का प्रसाद है। जनवरी जनवरी में आ गया तो जुनू से मालूम है, जनवरी में आ गया तो जुनू से मालूम है। गेहूं के संग पिस रहा है, जुनू से मालूम है। जनवरी में आ गया तो जुनू से मालूम है, गेहूं के संग पिस रहा है, जुनू से मालूम है। प्याज छिलते दिल के अरमा आंसू में बह गए, छिल रहा हूँ बैठ के लहसुन से मालूम है। और मित्र, ये दो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, सुन लीजिए। ये हमारे तरफ देखिए। 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है? प्रेमिका को प्रेम करके भूल जाना त्याग है, प्रेमिका से ब्याह जो करता है उसे पूफ है, प्रेमिका से ब्याह जो करता है। एक भी रस की कविता सुनिए। मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा, अच्छा रुपेश भैया ऐसे कर रहे हैं, हम न मिलवाएंगे, तुम दूसरे किसी से कहो। मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा, वो 72 हूरे भी जन्नत में जाके पाएगा। मुझको अपनी प्रेमिका से जो कोई मिलवाएगा, वो 72 हूरे भी जन्नत में जाके पाएगा। देश के सेंसेक्स जीडीपी में आएगा उछाल, हिंद के नक्शे में पाकिस्तान वापस आएगा, हिंद के नक्शे में पाकिस्तान। एक और इसका तरीका देखिए। वो नाव में श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण, वो नाव में थी मैं लिए पतवार डूबा था। शैलेंद्र मधु जी इश्क की पराकाष्ठा, वो नाव में थी मैं लिए पतवार डूबा था। हुस्न की नदी में मेरा प्यार डूबा था, मैं सिर से लेके पांव तक डूबा था, इस कदर जैसे मैं वो नाव में भी मैंने ये पतवार डूबा था, हुस्न की नदी में पूरा प्यार डूबा था, मैं सिर से लेके पांव तक डूबा था, इस कदर इकबाल जैसे बाढ़ में बिहार डूबा था, इकबाल जैसे बाढ़ में बिहार डूबा था। और ये चार पंक्तियां और सुन लीजिए, दवाओं का काम है आपका कि प्रेमिका डॉक्टर हो तो एमआर खुद को मानकर, प्रेमिका डॉक्टर हो तो एमआर खुद को मानकर एक टक उसके तरफ मदहोश होके देखिए, प्रेमिका डॉक्टर हो तो एमआर खुद को मानकर एक टक उसके तरफ मदहोश होके देखिए, मद भरे नैनों से जब टपकाए एनेस्थीसिया, नब्ज जब पकड़े तो फिर बेहोश होके देखिए, नब्ज जब पकड़े तो फिर बेहोश होके देखिए, नब्ज जब पकड़े तो फिर बेहोश होके देखिए। प्रेमिका पुराण मेरी जो सुनेगा ध्यान से, प्रेमिका पुराण मेरी जो सुनेगा ध्यान से, असली आशिक निकलेंगे बस उसी के खानदान से, और 10 कुंवारों में इसे छपवा के जो भी बांटेगा, प्रेमिका उसको मिलेगी या के तालिबान से। प्रेमिका